गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ स्किन कोलेजन के बारे में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि स्किन हमारी झूली हुई है, स्किन पर रिंकल्स बहुत ज्यादा है। एंड रिसेंटली मुझे मेल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं कि उनकी एज 40 है, 40 प्लस है एंड वो अपने स्किन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि स्किन के ऊपर जो ग्लो आता है, जो कसावट आती है, वो स्किन के कोलेजन से आती है। तो कोलेजन अगर आप ऊपरी तौर पर कोलेजन लगाते हैं तो वो इतना असर नहीं कर रहा होता, जबकि आप इंटेक में कोलेजन खा रहे होते हैं तब असर कर रहा होता। देखिए बात ये आती है, जो नॉन वेजिटेरियन बंदे होते हैं उनका स्किन तो फिर भी अच्छा खासा वर्क कर रहा होता है, क्योंकि वो कोलेजन डेली मात्रा में खा रहे होते हैं, मतलब अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो। बट अगर आप वेजिटेरियन है तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं इस चीजों को एंड आपकी स्किन के ऊपर वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। अपने आपको हाइड्रेट नहीं रखते, आप बहुत ज्यादा पानी नहीं, लेकिन आप एक एम्पल अमाउंट में, मतलब जितना भी अमाउंट होता है पानी पीने का, उस अमाउंट में पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेट रहते, तब भी आपकी स्किन का कोलेजन झूल जाता है। एंड ऊपरी तौर पर तो आप हाइलुरोनिक एसिड लगा सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन में कोलेजन में इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा टाइम तक आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत और यंग ब्यूटीफुल दिखती रहे, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप कोलेजन इनटेक करें। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कोलेजन इनटेक करने के लिए। एंड मैं कुछ ऐसे कोलेजन है जो मैं खाती हूँ आप लोगों को मैं बता दूं, बट दिस इज आर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, ये क्या कहते हैं वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो फिर मैं बात करने वाली हूँ एई नेचुरल की तरफ से जो है कोलेजन कैप्सूल्स के बारे में। ये एक सप्लीमेंट होता है, अगर आप कोई भी ऐसी चीजें खाते हैं तो वो सप्लीमेंट्स जो भी आप खाते हैं वो मेडिसिन के ऊपर नहीं आती है, मेडिसिन नहीं होता है वो सप्लीमेंट, आपके ओवरऑल हेल्थ की सुरक्षा करने के लिए। लाइक आपके अंदर किसी तरह की कमी है, स्किन में किसी चीज की कमी है, तो आप सप्लीमेंट से पूरा कर लेते हैं, जो कि आप डे टू डे लाइफ में डाइट से वो ले नहीं पाते हैं और इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर तो आप वैसे नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा मतलब चमक, कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो स्किन प्रोड्यूस कर रहा होता है, सबसे ज्यादा हाईली अमाउंट में जो प्रोटीन होता है वो कोलेजन, जो कोलेजन होता है वो स्किन प्रोड्यूस कर रहा होता है। स्किन की कसावट, चमक और ओवरऑल हेल्थ के लिए कोलेजन का पूरा पूरा योगदान होता है। कोलेजन टूटता है स्किन से तो स्किन में रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, झूल जाती है, चाहे वो हाथ पैर का कोलेजन टूट रहा हो, चेहरे का कोलेजन टूट रहा हो, एंड एजिंग के साथ 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 वो टूटता ही है। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो कोलेजन टूटेगा ही, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डाइट के अंदर कोलेजन को ऐड करें ताकि आपकी स्किन की कसावट बनी रहे। तो मैं बात करने वाली हूँ एक नेचुरल कोलेजन की, ये 60 कैप्सूल्स आते हैं इसके अंदर एंड प्राइस है इसका 1500 रुपीज, बट ये हमेशा डिस्काउंट पर रहता है। मैं आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप देख सकते हैं। एंड ये पहले तो मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये जो है ये आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, आपके स्कार्स को मिनिमाइज करता है। देखिए जब कोलेजन जब वो बाउंड टाइट होगा स्किन का तो फर्मनेस आ जाती है और जो भी आपके दाग धब्बे दिख रहे थे वो कम दिखना चालू हो जाते हैं। मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को और फर्म बनाता है, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। इम्प्रूव करता है आपके बोन को, जॉइंट हेल्थ को, कोलेजन का काम ये भी होता है। एंड प्रमोट करता है आपके हेयर ग्रोथ को, आपके नेल के हेल्थ को भी अच्छा रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ये प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है अपने शरीर के अंदर। एंड बूस्ट करता है मेटाबॉलिक रेट को, मसल मास की एनर्जी को बढ़ाता है, रिड्यूस करता है जॉइंट पेन को और डाइजेशन के अंदर भी ये काफी इंप्रूवमेंट करता है। तो ओवरऑल जो है कोलेजन काफी अच्छा एंड बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। एंड 60 कैप्सूल आते हैं, लेकिन आप मैं तो एक ही कैप्सूल लेती हूँ लाइक डे के अंदर बिफोर मील, खाना खाने से पहले एक कैप्सूल लेना होता है, बट अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप दो भी ले सकते हैं। एंड मेरा तो ये ऑलमोस्ट फिनिश ही है, मेरे पास 3 कैप्सूल 4 कैप्सूल बच रहे होंगे, आप देख सकते हैं। और ये कैप्सूल्स कुछ इस तरह की है, डेली आपको खाना खाने से पहले एक कैप्सूल लेना होता है। एंड मेक श्योर करिए कि आप इसको 3 to 4 months आराम से लें ताकि जो कोलेजन है वो बने आपकी स्किन के ऊपर, ज्यादा प्रोड्यूस हो और आपकी स्किन के अंदर फर्मनेस आ जाए। सप्लीमेंट्स जो है वो 15-20 दिन में असर करती नहीं है, आप लेते रहेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर वो जो है, जैसे आप ग्लूटाथायोन लेते रहते हो स्किन के ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट आता है, उसी तरीके से सारी सप्लीमेंट्स काम करती है। लाइक आपको किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होती है तो उसका आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है एंड देन आप देखेंगे कि आपकी स्किन के अंदर पूरी जो भी आपकी डिजायर चीज है वो मिल जाएगी।
तो बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि एजिंग की बात भी आती है तब लोग आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे कि आप तो इतनी ज्यादा उम्र के दिखते नहीं हो, आपकी स्किन में इतनी कसावट कैसे है। तो उन सभी चीजों का जो मेन राज होता है वो कोलेजन होता है। और यही नहीं कि कोलेजन स्किन के फर्मनेस को बढ़ाता है, और भी जो सारे बेनिफिट्स है मैंने आप लोग साथ शेयर किए हैं वो भी होता है। एट द सेम टाइम आपकी स्किन की चमक के लिए भी कोलेजन का पूरा पूरा हाथ होता है। अगर आप हाइलुरोनिक एसिड और इस तरह की चीजें अपनी स्किन पर यूज करते हो तो आप देखते होंगे कि चमक बढ़ जाती है स्किन की, उसी तरीके से कोलेजन काम करता है। तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लेके पर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आते है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।